तो अब हम बात करते हैं अफवाहों की. जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, जो फिल्म स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके बारे में अफवाहें बड़ी फैलती रहती हैं. आयुष्मान, एक अफवाह यह है कि इस फिल्म के बाद आप एक और एक्सपेरिमेंटल फिल्म करने वाले हैं जिसमें आप प्रेग्नेंट आदमी का रोल करने वाले हैं. इज इट ट्रू पाजी? नहीं पाजी. तो ये अफवाह है, दर्शकों कृपया नोट करें. जितेंद्र, एक अफवाह ये है कि इस फिल्म के बाद आपको किस डे का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात चल रही है. किस डे का? आपकी नॉलेज में है ऐसा कुछ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. गजराज सर, एक अफवाह ये है कि नीना जी का नाम आपने अपने मोबाइल में बीवी नंबर 2 के नाम से सेव किया है. कपिल, बीवी नंबर 1 यहाँ बैठी हुई है. कहाँ है? वो ये बैठी है. हेलो मैम. तो जरा ध्यान से अफवाह जो भी बोल रहा है तू. अफवाहें हैं ये, तो हम क्लियर करना चाहते हैं. वो बिल्कुल अफवाह, रोज मोबाइल शाम को चेक होता है. भाभी भी सावधान रहती है. सर, शादी के इतने साल बाद भी चेक होता है मोबाइल? अरे वो तो मतलब मरते दम तक होगा. गंगा जल दे दो, पहले मोबाइल दो. मनु बाजी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका पूरा नाम मनु ऋषि चड्ढा है, लेकिन लोग आपको सिर्फ मनु ऋषि के नाम से जानते हैं. तो अफवाह ये है कि बचपन में एक बार आपका चड्ढा कहीं गिर गया था, इसलिए आपने चड्ढा यूज करके छोड़ दिया. ये कोई अफवाह नहीं है, सच्चाई है. गजराज सर, एक अफवाह और है कि बधाई हो के बाद से ना जो जमाने के कैप्सूल आते हैं उनकी डिब्बी पे कहते हैं आपकी फोटो लगने लगी. ऐसे ऐसे 2-3 ऑफर आए थे. सीरियसली? डिब्बियों पे फोटो लगवाने वाले. अच्छा. मैंने मना कर दिया. नहीं. अफवाहें देखिए कैसे किसी फैलती है मार्केट में. मान भी आपके बारे में ये अफवाह है कि अगर आपको कोई चैलेंज दे दे तो आप चोरी भी कर सकती हैं. कहीं आपने बोला था कि अगर मेरे को किसी ने चैलेंज दे दिया? नहीं, अफवाह. ओके. आयुष्मान भाई, एक अफवाह ये है कि स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम आप इतना फुदकते रहते थे कि आपकी जो वाइफ है उस समय आपको फ्रॉगी नाम से बुलाती थी. ये बात सच है. ये कहां से पता चला आपको? देख लो भाजी, आप सुपरस्टार हो यार, आपको नहीं पता? अफवाहें फैलती हैं. तो ये क्यों फ्रॉगी बोलते थे, मतलब क्या? वही भाजी में बहुत बहुत एनर्जी थी, मतलब मैं पागल हो जाता तो कूदता रहता था, तो फ्रॉगी बुलाती थी मुझे. अच्छा, तो देख लो हमारी अफवाहें सच्ची भी होती है, ऐसी बात नहीं है. एक अफवाह और है जीतू जी आपके बारे में. आप अपनी शायरी के नीचे गुलजार साहब का नाम लिख के इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं, ये बात सही है? ये हाँ अफवाह नहीं, ये बात सच. इनका आईडी है फर्जी गुलजार. फर्जी गुलजार. तो क्या क्या दिमाग में है आपके? आपने ऐसा नहीं, क्योंकि मैं भी कुछ कविता लिखता हूँ और वो उतनी अच्छी होती नहीं है. प्लीज कम ऑन. तो ये बात हो जाए. बहुत अच्छी कविता लिखता है. अच्छा. हाँ. एक आध हो जाए. तेरे रूह की खुशबू मौजूद है मेरी चादर की सलवटों में अब तक. हाँ, तू आई नहीं यहाँ कभी, बस तेरा ख्वाब देखा था एक बार कभी यहाँ. क्या बात है. ओके, तो इसी के साथ ही हमारे अफवाहें खत्म होती हैं. अफवाहें खत्म हो गई. जनता के ये सवाल है कि ये काम आपने किए हैं या नहीं किए हैं. तो ये आपको खाली हाथ यस और या नो करना है. आगे बांटते जाइए. मैचिंग. कभी किसी का नाम मोबाइल में किसी अजीब नाम से सेव किया है? ओह सॉरी, यस ऑब्वियसली. मैं खुद यस देख रहा हूँ. आपने किसका नाम किस नाम से सेव किया है? मेरा दोस्त है रोचक कोहली, बहुत बड़ा कंपोजर है. पानी दा रंग, साडी गली, रिसेंटली गुड न्यूज के गाने से कंपोज किए हैं. तेरा यार हूं मैं, सोनू की वीडियो, वीडियोस ने उसका नाम पोचा रखा हुआ मैंने. क्यों? स्कूल का बचपन का दोस्त है तो रोचक को हम पोचा बुलाते थे स्कूल में. अच्छा. तो पोचा रखा उसका. तो अब तो वो इतने अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं. अब चेंज कर दिया कि अभी नहीं, पोचा ही है. और कभी कभी वो पता क्या होता है, देना पड़ता है कॉन्टैक्ट किसी को, तो वो पोचा चला जाता है. जीतू, आपने? मैंने भी हाँ, एक बंदा था जिसकी कोडिंग बहुत अच्छी थी, तो उसका नाम DC++ करके सेव किया हुआ है. अब पहले दुनिया को समझा कोडिंग क्या होती है, DC++ क्या होती है. आईटी खड़गपुर वाले सोचते हैं सबको पता सब कुछ. C++ लैंग्वेज होती है. अच्छा, कंप्यूटर लैंग्वेज. हाँ, तो उसका नाम दीपेश था, तो DC++ कुछ करके आया. नीना, किसका नंबर सेव किया है? वो एक स्टॉकर था, बार बार फोन करता था, तो उसका मैंने सेव किया था नॉट.
हाँ, एनओटी तो जब वो आएगा तो एनओटी एनओटी गजराज जी आपने एक अपना इसका लोन या इंश्योरेंस का बंदा था उसका पराक्रम नाम था मेरे पीछे पड़ गया था हाँ. तो उसका नाम रखा था पकाओ पराक्रम वो देख रहा होगा पराक्रम अब कैसा लगेगा उसे और गजराज सर मैडम का नाम आप फोन में आप किस नाम से सेव किया है मैडम मैं नहीं वो संजना संजना जी ओके चड्डा साहब भाई सिंगल ना बड़ा लंबा चल रहा था मेरा ना सिंगल रहना अच्छा तो मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की आई हम बात बात करते थे तो सब दोस्तों ने कहा बॉस ये तेरे से ना पड़ जाएगी यही मौका है तेरे को अच्छा यही मौका है तुझे बोलना ही बोलना है तो मैंने उसका ना मौका रख दिया मैंने कहा मौका होगा ना तो फॉलो शिद्दत से करेगा आदमी बाद में मैंने मौका ढूंढ के प्रपोज किया आज मेरी बीवी है वाह और उन्होंने इनका नाम स्टोर किया मौका परस्त मानवी मैंने बहुत सारे ऐसे एक तो डोंट आंसर वाला है मेरा नॉट टू पिक हाँ डोंट आंसर वैसा फिर एक ना एक आई मेट दिस गर्ल एक पार्टी में तो वो ना जब भी हम उसको मिलते थे तो उसके आसपास दो लड़कियां होती थी ऐसे तो हम उसको बोलते थे ऐसे दो तितलियों के साथ क्यों आती है तो हमने उसका नंबर एज तितली रख दिया था उसका हर नेम इज सेव्ड और वो एक्टर है लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी मैम आपने मैं बता नहीं सकती मेरा इतना सीरियस मामला है कि मैं बता नहीं सकती ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी किसी दुकानदार के साथ फोटो खिंचवा के उससे डिस्काउंट मांगा है यस और मान भी बोल रही है मैं नहीं मेरे साथ उल्टा हुआ कि मैं डिस्काउंट मांग रही थी कि अरे इतना सारा मैं ले रही हूँ कम करो फिर उसी टाइम उन्होंने बोला आप तो वो टीवीएफ ट्रिपलिंग मैं कहा अब तो दे दो यार डिस्काउंट तो उसने बोला दिया डिस्काउंट साहब मेरा भी यही हुआ था मैंने कहा ठीक ठीक लगा लो कहते सर आपको देखा हुआ लक्की लक्की में मैंने कोई नहीं दे दो मीना जी आपने कभी नहीं ऐसे किया नहीं मीना ये हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं चाहती थी कि वो मुझे पहचाने क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था कई लोग नहीं पहचाने तो मैं कैसे कहूँ मैं एक बार एयरपोर्ट पे थी मेरे को बीच की सीट मिली थी अच्छा। तो मैंने कहा मैं बीच में नहीं जाऊंगी मुझे आइल या विंडो दो उन्होंने कहा मैडम सब भर गया तो मैंने कहा आपके बॉस कौन है बोली वो हैं मैंने कहा मैम प्लीज ना आप मेरे को मैं बीच में नहीं जा सकती तो बोली नहीं मैम सब फुल है मैंने कहा आप मुझे पहचाने नहीं तो दूसरी ने कहा मैडम एक्ट्रेस है एक्ट्रेस अभी बधाई आई थी मैडम बधाई हो तो मैंने कहा आपने बधाई हो नहीं देखी तो उसने बोला नहीं पिक्चर्स नहीं देखती आपने बधाई हो नहीं देखी ऐसा कैसे हो सकता है वो साउथ इंडियन थी उसने बोला आपने कोई तमिल पिक्चर देखी है आई सेड ओके यू आर राइट अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी फिर नहीं बाय चांस एक कोई फिल्म वाले जा रहे थे एक एक्टर उसके साथ उसका स्टाफ था जो बैठा था बिजनेस में उस बंदे ने फिर मेरे को अपनी जगह दे दी और मेरी जगह बैठा मैं ही तो था ये ना मैं भूल गई तो आप किसी एक्टर के साथ स्टाफ में भी जाते हैं अच्छा कभी गीले नोट को प्रेस करके कड़क किया है बहुत बार नहीं मैंने नहीं किया ये एक्चुअली बड़े लोगों ने किया रहता है ओके कभी छोटे बच्चे से कोई चीज छीन के खाई ओ चड्डा साहब किससे छीन के खाई बचपन में ना एक हमारी गली में हम पुरानी दिल्ली में जा रहते थे ना हाँ। मुरब्बे वाला आता था अच्छा हाँ। अब वो मुरब्बे बिकने बंद हो गए हैं वो मुरब्बे का बड़ा दिल करता था कि 7 बजे के बाद आता है एक दिन 7:30 बज गए सारे खत्म हो जाते थे अच्छा तो एक छोटा सा सरदार हमारे साथ फैमिली रहती थी उसने मुरब्बा रड़ का ना मुंह में डाला मैंने बोला आ मैंने मारा सर मुझे गिर के खाते था करके खाले तो
अच्छा आपने प्लेस भी काफी किए हैं सबने, तो ऐसा कभी हुआ कि कुछ डायलॉग एग्जैक्ट जो था वो मन में ही नहीं आया और भूल गए आप और कुछ और ही बोल गए? बहुत बार ये तो हुआ है। हम कर रहे थे जूलियस सीजर प्ले, अच्छा तो उसमें एक कैरेक्टर था कास्का और एक था सिन्ना, तो क्लाइमेक्स से पहले रोम जल गया है पूरा, मतलब सीजर मर गया है, ब्रूटस भी को भी गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों कर दिया ऐसा, तो कैसियस बेचारा बड़ा इमोशनली सिन्ना एंट्री लेता है और कैसियस उसको बोलता है कि मैंने रोम को कर दिया है तबाह, उठा अपनी तलवार और भेद दे मेरा सीना, और उसने बोला भेद दे मेरा सीना, सिन्ना ने रिएक्ट ही नहीं किया, सिन्ना ऐसे बैठा हुआ है कहता भेद दे मेरा सीना, वो रिएक्ट कर रहा है, वो बेचारा सामने पीछे बैक स्टेज में एक लड़का गया कुछ चौंक रहा है, तो कह रहा है भेद दे मेरा सीना, वो तलवार बुलाया था उसने गला घोट के मार दिया हमारे प्ले में ना कॉलेज में यूथ फेस्टिवल जो होते हैं ना उसमें एक इतना बेकार एक्टर था ना, एक तो उसने गलत एंट्री ले ली, आ गया स्टेज पे, उसकी एंट्री थी नहीं, अब आ गया तो तू खड़ा रह कहता ओ नहीं, वो किस्सा क्या था? एक सेकंड, किस्सा सुनने से पहले जरा शिफ्ट कर लेते हैं, मैं बड़ी फंसी फंसी बैठी हूं, I want to be with girls. किस्सा क्या था? जब हम बड़े हो रहे थे, सब बड़े होते हैं अपने अपने अंदर तो सबके आशिक होता है ना, हाँ तो, और ये उन दिनों की बात है जब खिड़की पर ही आशिकी चलती थी, बाहर मिलना अलाउड नहीं होता था, तो लड़की जो है वो खिड़की में ही है, अब खिड़की से ही हमको कम्युनिकेट करना पड़ता था, हम तुझे पसंद करते हैं और हम हीरो भी हैं, हाँ तो इसके बिना कोई चारा नहीं था, तो दिवाली में पटाखे आते थे ना, तो वो होता था एक मुर्गा छाप, हाँ, डोरी वाला बम, तो डोरी वाले बम की हम प्रैक्टिस करते थे भाई कि खिड़की खुलेगी लड़की की, खड़े कैंडल जो है ऐसे हाथ में पकड़ेंगे, नजर उसकी तरह रखेंगे, और सुरी पे जैसे ही आग लगी, सुरी जली जली जली, हमने दूसरा बम मांगा, एक साइड की कमरा हमेशा रहता था, बाकी हमारे बाहर लगे ला टिंकुला, टिंकु ने दिया था, तो चार पांच तो लग गए, तो पीछे से किसी की आवाज, मोहल्ले वाले घर थे ना, तो किसी की आवाज आ जाती थी सीटी, तो अब उसमें डिस्ट्रैक्शन आता था, तो ऐसे पकड़ा था, हाथ में फूट गया, वो हाथ में फूट गया, अब हाथ में फूट गया, और लड़की देखी खिड़की से थोड़ा गए, जब खिड़की से बाहर निकल गए हाथ पटूरे जैसा हो जाता, पटूरे जैसा, पटूरे जैसा, वाकई ये सब किस्से बचपन में देखे सुने हुए बड़े कमाल के।